नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुश्रुति विद्या। दोस्तों, आपने गिलोय के बारे में या अमृता के बारे में बहुत सुना होगा, देखा होगा और उसके फायदे भी आप बहुत कुछ जानते होंगे। लेकिन आप जितने उसके फायदे जानते होंगे, लेकिन उससे ज्यादा जानकारी जो है वो आपको आज के इस वीडियो में जरूर मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल की घंटी का आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आयुर्वेद में जो गिलोय को या अमृता, जिसको गुड़ुची भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, जैसे गिलोय है, अमृता है, गुड़ुची है, और एक बात करेंगे कि इंडियन टीनोस्पोरा बोलते हैं, हार्ट लिव टीनोस्पोरा बोलते हैं, और एक बोलते हैं कि मून सीड भी इसका नाम है, और एक बोलते हैं कि गुलंचा टीनोस्पोरा, ये भी एक इसका नाम है। संस्कृत में तो इसके बहुत से नाम है, लेकिन ये जो कुछ कॉमन नाम है इनसे ही इसको जाना जाता है। संस्कृत में इसको जो है वत्सादनी बोलते हैं, या छिंद है इसको छिन्नरुटा बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, मधुपर्णी बोलते हैं, या भिष्क्रीपिया बोलते हैं इसको। तो ऐसे बहुत से नामों से जाना जाता है। तो बहुत से लोगों को ये तकलीफ होती है कि बहुत से लोग ये जानते नहीं है कि जो गिलोय होता है वो कैसे यूज करना है। तो मैं इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। आप एक बात मतलब मेरी नोटिस कीजिए कि जो भी मेरा वीडियो है या मेरा जो चैनल है उस पर लोग जो है 91.1% लोग मेरा बस वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन इसका मतलब है कि उन लोगों को मेरे जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, बस सब्सक्राइब करने का उनको मन नहीं करता है। तो छोड़िए इन बातों को, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा काम है, सब्सक्राइब करो या ना करो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आपको जैसे कि पता होगा कि गिलोय जो है एक एंटी बैक्टीरियल का काम करती है, एंटी फंगल में भी काम करती है, और इसके बहुत से मतलब लाभ है। खास करके जो हमारा जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई जो गिलोय होती है या अमृता होती है वो सबसे बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो है बहुत कम लोगों को मिलती है जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई। तो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय अगर आपको मिल जाती है वो कैसी दिखती है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के एंड में, और इसका कौन कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो इस्तेमाल है वो किस किस में कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका जो इस्तेमाल है वो आंखों के जो रोग होते हैं, बीमारी होती है, उसमें किया जा सकता है। डिटेल वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि गुड़ुची या अमृता या गिलोय इसके इतने बेनिफिट्स है और आप ये वीडियो देखकर बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं बस पॉइंट टू पॉइंट ही आपसे बात करूंगा कि इसका जो इस्तेमाल है, 10 पॉइंट बताऊंगा मैं इसके। अगर आप मुझे कमेंट करते हो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाओ, तो एक डिटेल वीडियो बनेगी जो कम से कम 20 से 25 मिनट से ऊपर की बनेगी, ये मेरा डेफिनेटली दावा है। क्योंकि गुड़ुची या अमृता या गिलोय इसके बहुत सारे जो है बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स है इसके, और आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा योगदान है। तो सबसे पहले हमने बात की कि जो आंखों की बीमारियां होती है उसमें भी काम करती है ये। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हमारे कान की समस्या होती है उसमें भी काम करती है, और एक बात करेंगे कि जो एक नॉर्मल हिचकी लोगों को आती है उसमें भी ये गिलोय जो है वो काम करती है। बाद में बात करेंगे कि जिनको भी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जिनको है उनको भी ये दी जा सकती है, और उस रोग में भी जो है गिलोय का प्रयोग किया जाता है। बाद में बात करेंगे कि जिन लोगों को भी उल्टी होती है तो उल्टी में भी जो है गिलोय का प्रयोग किया जाता है। कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, उसकी परेशानी में भी जो गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है। बवासीर है आपको, फिशूर है, फिस्टुला है, तो उसमें भी जो है गिलोय का प्रयोग किया जाता है। बार बार होने वाला पीलिया जिसे पांडुरोग भी कहा जाता है संस्कृत में या हमारे आयुर्वेदा में, तो उसके जो रोग की जो बीमारी है उसको भी कम करने के लिए एक अनुपान के रूप में जो है गिलोय का प्रयोग किया जाता है। बार बार होने वाला लीवर में जो इन्फेक्शन है उसको भी कम करने के लिए, या लीवर संबंधी जो जितनी भी बीमारी है उनको कम करने के लिए या उनसे निजात पाने के लिए जो है गिलोय का प्रयोग किया जाता है। एक लास्ट में बात करूंगा कि जो हमारे डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए गिलोय जो है एक कोई वरदान से कम नहीं है। तो इसकी मात्रा कैसी लेनी है, अगर आप काढ़ा लेते हो, गिलोय की डंडी लेते हो, मैं आपको दिखाता हूँ गिलोय की डंडी, एक मिनट आप वेट करो। आप देखो ये है गिलोय, इसके पत्ते देखो, इसको हार्ट लीव टीनोस्पोरा भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पत्ते है ये हमारे हार्ट के शेप के है, और ये इसका आगे की जो कोमल डंडी है ये मैंने बस तोड़ के अभी लाई है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब सर्दी जुकाम सा महसूस हो रहा है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैंने कैप भी पहन लिया है।
तो इसके जो पत्ते हैं वो बहुत से कम रोगों में यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पत्ते सभी रोगों में यूज होते हैं, लेकिन किस रोग में यूज होते हैं ये बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम है आपको तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो इसकी जो डंडी होती है, ये जो डंडी होती है, इसको आपको एक इतना सा टुकड़ा लेना होता है। इसके ऊपर से ये ऐसी जो छाल निकलती है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप हरा हरा देख रहे हो, ये जो हरा हरा आप देख रहे हो, इसको आपको निकालना है पूरा। ये जो सफेद सफेद जो है, इसको आपको निकालना है। और ये जो अंदर का जो हरा वाला भाग है, ये देखो, ये बहुत चिपचिपा है, ये ऐसा निकल के आता है। आप ठीक से देखोगे, अगर मैं कैमरे के सामने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अंदर से पूरा हरा है। ये ऊपर का जो छिलका है, इसको आप निकाल दो, और जो अंदर का बचा है उसको लेकर उसको अच्छे से, मतलब हमारा जो खरल होता है या हमारा जो मिक्सी होता है, उसमें पीस लो। पीसने के बाद इसको, बस मेरी एक सलाह है आपसे, इसको कच्चा ना खाएं। ऊपर का छिलका उतरने के बाद इसके छोटे 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 टुकड़े कर दो, उसको बाद में मिक्सी में या अपने खरल में पीस लो। बाद में इसको एक बर्तन में बॉयल करो 2-3 मिनट के लिए, या 1/3 या 1/4 पानी रह जाए तो एक अच्छा काढ़ा बन जाएगा। अगर आप इसमें कड़वाहट कम करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिश्री मिलाकर इसको पी सकते हैं, नहीं तो बिना मिश्री के पियोगे तो ये बहुत ही लाभकारी होगी। तो इसका जो काढ़ा होता है वो कितना लेना चाहिए, अगर आप, मैं बात करूंगा कि एक ऐसा कोई मापदंड है नहीं है कि काढ़ा कितना लेना चाहिए या कितना नहीं, लेकिन मैं एक बात करूंगा कि हथियार जितना छोटा होता है उतना ही वो कम असर करता है। अगर आप ये सबसे पहली बार यूज कर रहे हो तो मेरे आपसे राय है कि बस 5 ml स्टार्ट से शुरू कीजिए। अगर आप पचा सकते हो तो 10, 15, 20, 25, 30 ml तक आप एक बार में इसको कंज्यूम कर सकते हो। और एक बात करूंगा कि जो दवा है कोई अच्छी है, तो उसके एक्सेस करने से उसकी जो, मतलब, बुरे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज अच्छी है या ज्यादा मात्रा में लेने से उसके जो है साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो यह बात आप नहीं है। इसको जो गिलोय है, अमृता है, गुडुची है, इसको ज्यादा मात्रा में लेने से जो है ऑटो इम्यून सिस्टम जो नाम की बीमारी है वो होने की संभावना है। इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये बीमारी कैसे होती है, क्या होती है, लेकिन इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो। नेक्स्ट बात करूंगा कि जिन लोगों का भी ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इसको लेने से अवॉइड करें, क्योंकि ये जो ब्लड में से जो है शुगर की जो मात्रा है वो कम कर देती है और ब्लड प्रेशर को भी लो कर देती है। तो इन लोगों को भी लेने से बचना चाहिए। ये सब फैक्ट्स काम करते हैं इसके पीछे। और गिलोय जो है बहुत अच्छी है। गिलोय, मतलब, बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सुबह गिलोय का जो सरस आता है वो पियो, अच्छा है, लेकिन बहुत से जो बाजार में मिलता है उसमें थोड़े से प्रिजर्वेटिव ऐड करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक पैकिंग में रखना पड़ता है। और जो आपको अगर ऐसी ताज़ी मिल जाए, जैसे अभी मैंने लेके आया हूँ ये, अगर ऐसे आपको ताज़ी सी मिल जाए तो ये बहुत अच्छी है। इसको बस आपको काटना है और इसका जो ऊपर का छिलका है उसको बस निकालो और यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के बाद आपको बुखार नहीं होगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा। और अभी कोरोना के टाइम पे तो इम्यूनिटी की, मतलब, ऐसा नहीं कोई मिलेगा कि मुझे इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलने वाला मेरे सामने मुझे कमेंट करो कि मुझे इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है। हर एक को इम्यूनिटी की ज़रूरत है। तो मैं उनसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप गिलोय लो। बस एक बार अपनी वैद्यकीय चिकित्सा या वैद्यकीय डॉक्टर से अपना परामर्श ले लो कि भाभी मुझे कितनी लेनी चाहिए, कैसे ले सकता हूँ मैं। ले सकते हो आप, हर एक ले सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको कुछ भी कम लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।